श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशितैर्भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गोपीभिस्तोभितो नृत्यद् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत् बिभर्ति कुचिदाव्यक्तः पीठकोन्मानपादुकम् बाहुक्षेपम् च कुरुते स्वानाम् च प्रीतिमावहन् दर्शयस्तद्विदाम् लोक आत्मनो भृत्यवत्सतपश्यताम् भजस्यो वाह वै हर्षम् भगवान् बालचेष्टितैः। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक अतुल ऐश्वर्य जिनके संकल्प में रहता है वे भगवान छोटे से बालक बने हुए ब्रज गोपियों को सुख दे रहे हैं और दारु यंत्रवत जैसे कठपुतली को कोई सूत्रधार नचाता है
इसी प्रकार से वे गोपांगनाएं श्री कृष्ण को नचाती, जैसा कुछ वे कहती हैं इसी प्रकार वो करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये भृत्यवश्यता भगवान प्रेमाधीन है। भगवान से जो प्रेम करता है और जिस भाव से प्रेम करता है, जैसा मानकर प्रेम करता है, ठीक उसके लिए वे वैसे ही बन जाते हैं। वे सत्य हैं, नित्य सत्य हैं, इसलिए उस प्रेमी की मान्यता के अनुसार अब उसी रूप में अपने सत्य स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो जिनकी दृष्टि में वो स्वरूप सत्य नहीं, उनके लिए नहीं, परंतु जो मानते हैं उनके लिए वो कल्पना की वस्तु नहीं, सत्य सत्य ही है। तो भगवान खेलते हैं और ये देखती हैं कि दोनों चीजें, तो इनकी लीला को, खेल को देख देख कर आनंद प्राप्त हो, और दूसरे वात्सल्य रस है ना, भी कहाँ तक होशियार हो गया है, समझदार कुछ हुआ कि नहीं, कुछ इसमें ताकत आई कि नहीं, ये भी माता और मातृस्थानीय गोपियां देखती रहती हैं, बल देखती हैं, बुद्धि देखती है कि अभी तक भोंदू ही रहा है, कुछ थोड़ी अकल आई, वैसे ही रहा है, कुछ ताकत भी आई। तो नचा नचा कर, नए नए नाच नचा नचा कर नाचने की ताकत देखती है, आमोद लेती है। तो देखते हैं कुछ ताकत, समझदार हुआ कि नहीं, तो बोली देखो वो खड़ाऊ पादुका पड़ी है बाहर बाबा के लिए, तो सोचा पादुका समझेगा कि नहीं, ये पादुका क्या चीज है। तो गए ठीक ले आए, बोले समझदार हो गया, समझने लगा खड़ाऊ क्या चीज है। फिर मन में आज देखें इसका बल जांचे, कुछ ताकत आई कि नहीं, तो खड़ाऊ की छोटी चीज है। बोले अच्छा ये धानवान नापने की होती है ना, अनुमान क्या कहते हैं उसको, दो ये तो शेर बटखरे भी होते हैं और वो पाई क्या कहते हैं, पायली पाई कहते हैं। तो कहा अनुमान ले आओ, अनुमान। तो सोचा कि ये अनुमान समझेगा कि नहीं, क्या बात है, अरे खड़ाऊ तो फिर भी देखता है अनुमान उन्मान का क्या पता, तो जा करके ठीक से, और वो अनुमान भी ले आया, पायली बटखरा भी ले आया। तब सोचा भाई ये तो और बुद्धिमान हो गया, अब बल देखना है। तो बोले देखो देखो लाला, अब की वो देखो पीढ़ा बड़ा छोटी सी पीढ़ी रही है, बड़ा बीड़ा थोड़ी था, ये भी भय है कहीं ये बड़ करने लगे, हाथ में आ जाए और जैसे मेरी हेठी हो जाएगी और किसी भारी चीज को उठा ले और लग जाए, तो ये भय भी है, वात्सल्य है ना। तो बोले छोटी सी पीढ़ी रही, बोले जरा लाला उसको उठा तो ले आओ। अब लाला गए उठा ले आए पीढ़ी को, अब तो उठाने में कुछ तकलीफ तो हुई, जरा बड़ा था ना, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ उठे कैसे, तो यूं छाछी लगा करके उठाया, लगा कर किस तरह से डेली पाए होना मुश्किल, किसी तरह से हुआ हवाया ले आए। इस प्रकार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रात दिन ये आनंद कोलाहल मचा हुआ है नंद बाबा के घर में और तमाम गोकुल में। गोकुल में आजकल दूसरी बात नहीं है, बच्चों में वही बात, बूढ़ों में वही बात, बूढ़ी स्त्रियों में वही बात, तरुणियों में वही बात, लड़कियों में वही बात, केवल श्याम सुंदर ही सबके जीवन में समा गया। तो वो सूरदास जी कहते हैं ये भगवान का जो मधुर मधुर ये लीला चरित्र है, इसके सामने अमृत क्या चीज है, ये जैसा मधुर है ऐसी मधुरता उस अमृत में कहाँ है।
और कहते हैं भी दूसरे सुख की तो बात के सुख के सामने और सुख रंग की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। यहाँ के बीच में मुक्ति आ जाए तो रस भंग हो जाए, तो मुक्ति देवी को अलग रख देते हैं बांध करके कि मुक्ति कहीं आ जाए, कहीं ब्रजमंडल में जहाँ श्याम सुंदर है वहां मुक्ति नहीं आती। लोग कहेंगे तब तो फिर बंधन में ही रहे। ये रहस्य है समझने का, जगत का बंधन जहां पर है वहां पे श्याम सुंदर की लीला देखने को मिलती नहीं, और जहां श्याम सुंदर की लीला है वहां जगत से तो मुक्ति हो गई। अब बंध गए श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर को आकर के कोई मुक्ति खोल दे, ऐसी किसी मुक्ति में ताकत नहीं। श्याम सुंदर के स्वकृत बंधन को, अपने ही बांधे हुए उनके प्रेम बंधन को कोई भी मुक्ति आकर खोल दे, ऐसी किसी मुक्ति में ताकत नहीं। इसलिए श्याम सुंदर के प्रेम राज्य में मुक्ति नहीं आती, और कहीं मुक्ति उक्ति बीच में आने लगती है तो हटा देते हैं उसको। मुक्ति हो लौन सी खारी लागे, बोले मीठा मीठा खा रहे थे बीच में ये खारी चीज कहाँ से आ गई, हटाओ इसको। तो मुक्ति को हटा देते हैं, मुक्ति की ओर ताकते नहीं। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, उसका आदर भी नहीं करते, तिरस्कार करते हैं, हटो यहाँ से, विघ्न आ गया। मुक्ति को ये प्रेमी लोग विघ्न मानते हैं, भला तो ये बात हम लोगों की समझ में तो यूं नहीं आती कि हम लोग तो जगत के बंधन में है ना, इसलिए बार बार जगत के दुख आते हैं हम लोगों पर, दुखों से अभिभूत रहते हैं तो दुख छूटने की इच्छा होती है, और उन प्रेमियों के पास जगत के दुख तो आते नहीं। निरंतर रहता है श्याम सुंदर का अनंत सुख, अनंत लीला सुख, तो उस अनंत लीला सुख से छुटकारा पावे ऐसे अभागे कौन हो, तो मुक्ति हुई नौन सी खारी लागे, इस प्रकार मुक्ति भी उनको बुरी लगती। तो लीला हो रही, इन्होंने देखा कि जरा और परीक्षा करें बच्चे के कुछ बलवान हो गया कि नहीं, तो कहते हैं बाहुखे कुंजकुर्ते स्वाना प्रतिमा वन, वो बोले जरा लड़ावे इनको आपस में, तो किससे लड़ावे, इससे पहलवानी तो देखे पर किससे लड़ावे, तो दाऊ जी को बुलाया। तो ये कभी जो भुजा ठोकते और कभी पीठ ये ताल ठोकते, बोले आओ लड़ो कोई हमसे। तो एक दिन की बात है, रोज ही होता एक दिन क्या, तो एक गोपी ने कह दिया कि श्याम सुंदर तो तेरे से तो बलराम में ज्यादा बल है, उसका नाम ही बलराम है। तो बोले उन्हीं श्री लालिया, बोले नाना मेरे से बल ज्यादा कहाँ से आया, बोले रे श्री लालिया। तो बलराम जी हंस पड़े, बलराम जी हंस पड़े कन्हैया की मुद्रा को देख करके। तो बोले अच्छा दो दल बन जा, एक कन्हैया की पार्टी और एक दाऊ की पार्टी, तो अलग अलग दो मंडल हो गए। पहलवान जुटे दोनों ओर से ताल ठोंकने लगे, एक मंडली कहती दाऊ में ज्यादा बल है, दूसरी मंडली कहती नहीं कि कन्हैया में ज्यादा बल। बले न सममन्यो नियम प्राबल्यम दर्शयन्येव ऊर्ध्वाधो भावमासाद्य सर्वा हासयति स्मसः। बोले अब करो कुश्ती। तो भिड़े सब दारू जी के साथ श्याम सुंदर भिड़े, अब नन्ही सी भुजा और लिपट पड़े। अब दोनों अपना अपना बल दिखाते हैं, दारू अपना बल दिखाने, कभी ये ऊपर आवे कभी वो ऊपर आवे, कभी उनको चित डाले और मुकर जा कोई नहीं चित पड़े, हम हारे गए नहीं हारे, तुम झूठ बोलते हो। इस प्रकार वो परम मनोहारिणी पहलवानी लीला मल्लक क्रीड़ा होने लगी वहां पर। अब तमाम गोपियां इकट्ठी हो गई हंसाएं,
हंसी की के फुवारे छूट गए दोनों भाइयों की शोभा। बड़ी अद्भुत, एक परम उज्ज्वल और एक नवनील नीरद, तो सुंदर उपमा देते हैं। तदा स्फटिक मणिनेव महामरकत चंद्रमसेव जलदाकुर पुंडरी के नेव नीलोत्पलम हंसे नेव यमुना तरंग ज्योत्सना शकले नेव तीव्र कदंब। आनंद वृंदावन चंपूर्ण ऐसी अद्भुत शोभा लगी मानो स्वच्छता, एक तरफ उज्ज्वल है ना, एक तरफ नील है श्याम है, तो मानो स्फटिक मणि के बगल में स्फटिक मणि के साथ महामरकत मणि। स्फटिक मणि दाऊ जी और मरकत मणि कन्हैया, ये तो उज्ज्वल ज्योति में और स्निग्धता में मानो पूर्ण चंद्र से मंडित जलधर अंकुर हो, बादलों का अंकुर हो, पूर्ण चंद्रमा से सुशोभित और सुरभि में सुगंधि में सौरभ्य में और सुकुमारता में मानो ये पुंडरीक उज्ज्वल श्वेत कमल के साथ नील कमल का विकास हो गया। सुरभि में सुकुमारता में पुंडरी के नेव नीलोत्पलम ये श्वेत उज्ज्वल धवल कमल के साथ है और नील कमल का उदय हो गया हो, बड़ा सुंदर। और सुखमयी चेष्टा में मानो हंस बल्ब यमुना तरंगे हूं और अंगकांति में मानो ज्योत्सना खंड से युक्त और तिमिर का अंधकार का अंकुर हो, ऐसा विचित्र। तो सारे के सारे देख देख करके आनंद मग्न, कभी नाचें कभी गावें कभी खेलें कभी उधम करें, इस प्रकार नित्य निरंतर चलने लगा ये बाल चेष्टा भगवान की। दर्शन सद्विदाम लोक आत्मनोभृत्य वश्यताम ब्रजस्यो वाह वैहर्षम भगवान बाल चेष्टित ही। भगवान अपनी बाल लीलाओं से भगवान या भगवान कह लिया भला कोई भूल न जाए, ये भगवान है, ये सर्वैश्वर्य संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्ववित है, सर्वाधार है, सर्वातीत है, भगवान है। और ये भगवान यहाँ इनकी दृष्टि में कोई भगवान नहीं है, ये बच्चा है खेलता है। और इसीलिए बाल लीला बाल्य चेष्टा, इसका अर्थ ये माया नहीं है, मैया को और मैया स्थानीय गोपियों को भुला नहीं रहे हैं, सचमुच उनके प्रेम से अपने को बहाते हुए उनको बहा रहे हैं। ये उनकी अप्रतिम अतुलनीय प्रेमाधीनता है, भक्त्याधीनता है, ये सारे जगत के सामने उन योगिंद्र मुनिंद्रों के सामने जिनके चित्त में कल्पना तक इनके नहीं आती, उनको दिखा रहे हैं अपनी अतुलनीय भक्तिवश्यता। तो अब ये नित्य नई नई लालसा जागृत होती है यशोदा के मन में और गोपियों के मन में कि कोई नया नया आनंद फिरने, नया नया खेल फिर हो, कोई नवीन कोई अभिनय फिर आरंभ हो। तो ये भगवान रात पड़ गई सो गए, पर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं नवीन खेल की। तो गोपियों ने आकर के देखा बोले तो जग रहे हैं, सोया नहीं आज, और जगता रहे हैं, सोया सोया ही नाच रहा है, पैरों को पटक रहा है और थोड़ी थोड़ी कर रहा है।
सवेरा हुआ, आज उत्सव है, आज उत्सव है, रोज उत्सव होता है वहां पर। जब से श्री कृष्ण आए तब से नंद रानी का घर और तमाम गोकुल उत्सवमय हो गया, नित्योत्सव। और सच बात है, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ नित्योत्सव रहता है, और जहाँ भोग रहते हैं वहाँ नित्य रुदन रहता है। भोग जगत में हंसने में भी रोना ही रहता है, और भगवत जगत में रोने में भी हंसना रहता है। ये भेद है इसका। तो रात बाकी थी, बीती, सवेरा हुआ, फिर वही खेल। अब दूसरे दिन रात को आज जागरण करना है भैया। बोला हुआ जागरण कन्हैया के लिए माता मान्यता मानती है। तो तृणा वर्ष के दिन इन्होंने जागरण बोल दिया था। तृणा वर्ष मरा उस दिन के एक दिन रात जगा करके विष्णु भगवान नारायण का भजन गाएंगे, उपासना करेंगे। तो रात पर ही देखते हैं कि ये हम लोग तो गायें वाएंगी अब, और ये बच्चा जागेगा तो ठीक नहीं, ये सो भी जाए और हम लोगों का जागरण भी हो। मैया के मन में वात्सल्य है ना कि कहीं जगता रह गया, नींद नहीं आई इसको तो बीमार हो जाएगा। अब नित्य निरामय भगवान नहीं है यहाँ पर, बीमार होने वाले भगवान हैं। तो क्या करें, बड़ा मन में भाव था कि भाई ये भगवान नारायण की उपासना नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि ये हमारा गोश्त गोश्त जो है इसमें तमाम असुर आवश्य रात दिन आते हैं, गोष्ठ मृदम दुष्टानाम अधिष्ठानम वृत्तम। तो ये गोष्ठ जो है ये तो दुष्टों का आवास स्थान बन गया है, दोनों बालकों को छिपा कर रखते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते और ये सब। तो ये तो जाग रहे, इन्होंने देखा सोए सोए यूं आंगन में बिछा रखा था ना, देखा तो ऊपर देखा कुछ देखा उजाला सा, तो खड़े हो गए। खड़े होकर वो मटकी पड़ी थी वहां पर, मटकी में तो मटकी को ये देखा तो मटकी में दिखा चंद्रमा का प्रतिबिंब, आकाश का चंद्रमा उसका प्रतिबिंब पड़ रहा। तो मैया को पकड़ के ले आए, बस चल चल एक चीज देख। मैया ने कहा अरे क्या है, क्या देख लिया, क्या चीज है। आए बोले मैया देख इसमें क्या है, क्या इसमें ये क्या दिखता है, गोल गोल हिल रहा है और बड़ा चमक रहा है। तो मैया ने देखा कितना भोला है, देखो इसको ये पता नहीं है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा, बड़ा भोला बच्चा है। तो जननी ने बड़े माँ ने बड़े प्रेम से कहा कि लाला ये चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चंद्रमा क्या होता है मुझे, अरे जो आकाश में रहता वो देख चंद्रमा को, आकाश की ओर भी देखा वहां भी दिखाई दिया। तो बोले ये वही है जो इसमें है चंद्रमा। बोले हाँ हाँ बेटा वही है। तो पीठ हाथ पीठ ताली करके नाचने लगे, बोले मैया निकाल दे इस गगरी में से, निकाल के मेरे हाथ पर रख दे। अब यशोदा मैया हंसने लगी, सारी बड़ी सुंदरियां हंसने लगी, वो बार बार आंचल पकड़ रहा है, बड़ा नटखट है। बोले जल्दी निकाल के दे, देर क्यों कर रही है। माता दूसरी बातों में भुलाना चाहती, कैसे बच्चे को भुला दिया जाए, पर वे तो भूलते नहीं, रोने लगे निकाल के दे जल्दी। तो पास खड़ी थी प्रभावती उपनंद पत्नी, जिठानी रही है यशोदा मैया। तो ये इसने आके कान में कुछ यशोदा जी से युक्ति सूझी, बोले यों कर। तो वो संकेत पा करके यशोदा जी गई मक्खन भंडार में,
और धीरे से लौंदा बड़ा सुंदर माखन का लौंदा सफेद सफेद छिपा के ले आई पीठ की तरफ, और शाम सुनने की दृष्टि न पड़े। वो जानती बच्चा क्या देखे, ये नहीं कि अंतर्यामी सब कुछ जानते मारते, तो उनकी नजर बचा करके हानि में डाल दिया मक्खन के लौंदे को। बोले मैया निकाल के दी जल्दी, इतनी देर हो कहाँ चली गई थी। बोले अच्छा अभी निकालती हूँ। वो रोने लगे तो आंसू आंखें पोंछ करके मैं बोले अच्छा देख अभी निकाल देती हूँ, आ मेरे साथ। बैठा लिया और गगरी में हाथ डाल करके मटकी में और मक्खन का लौंदा माँ ने निकाल कर हाथ पर रख दिया। बोले ये ले चंद्रमा तेरे हाथ में। तो अब गगरी को देखने लगे, देखिए इसमें से निकला है कि नहीं, तो उनकी अपनी अपना अपनी छाया पड़ गई और गोपियों ने भी यूं कर लिया तो अंदर दिखाने बोले अब आ गया हाथ में, अब हाथ में आ गया आप तो बड़े बोले बहुत अच्छा हो गया। रुदंत मिंदवी मंथ गगरियाम प्रतिरूपने पिंडी ने नवनीति न वृद्धा गर्भे गार्भकम। अब वो लेकर के नवनीत का लौंदा मक्खनकार भागे, उनके पीछे पीछे यशोदा मैया भागी, गोपिकाएं कहीं बाहर जा करके कहीं गिर उड़ जाए, पर आए तो भीड़ लगी थी, तमाम दरवाजा सटा हुआ था भीड़ से, तमाम गोपिकाएं खड़ी तो बाहर तो जा नहीं सकी। अरे इस पीछे पीछे सब बाहर तमाम भाग गई थी ना, तो गगरी अकेली पड़ी खाली पड़ी थी, ये चल से भाग के फिर देखा अंदर, ये तो इसमें दिखता है अभी, ये तो माँ ने धोखा किया, ये तो माँ ने बड़ा धोखा दिया, देखो ना चंद्रमा तो इसके अंदर ही दिख रहा है, कैसे निकाल के दे दिया, झूठ बोलती है। अब वहां महाराज रूठ गए, रोष आ गया और जमीन पर लौट गए, हाथ पटक पटक कर, पैर पटक पटक कर लगे होने। मैया ने गोद लेना चावल, नहीं नहीं तेरी गोद नहीं आती, किसी प्रकार उठाया समझाया। अरे बोले लाला तू समझ, वो तो इसमें थोड़ा ही है, वो तो आकाश में है। तो बोले आकाश में इसमें कैसे आ गए, दो होंगे। अरे बोले दो नहीं भैया, ये इसकी चंद्रमा की छाया पड़ती। बोले छाया क्या होती है, दिखता है ना ये तो इसमें। तो ऊपर दिखाया थाड़ी अजय यशोदा अपने हरि ही लिए चंदा बिखरावर, रोवत कत बल जाऊं तुम्हारी देखो धो भरी नैन जुड़ावर। दिखा रही है किसी प्रकार, चुप हुए देखने लगे। तो उनके समझ में आई कि मैया कहती तो पर दो हैं, ऊपर भी ठीक दिखता ही है और इसमें भी दिखता ही है, तो दो हैं, एक नहीं दो चंद्रमा है, वहां अलग दिखता है यहाँ अलग दिखता है। तो बोले मैया दो है ना। अरे बोले तुमको बताऊ असली बात क्या है। बोले बता मैया। अरे वो चंद्रमा उन्द्रमा कुछ नहीं है। तो मैया दिखता क्या है। बोले तेरा जो मुख चंद्र है ना, तू ऊपर देखता है जो तेरी छाया पड़ जाती है आकाश में तो तुझको दिखता है, और तू नीचे देखता है तो तेरी छाया पड़ जाती है गगरी में तो तेरा मुख चंद्र दिखता है। असल में चंद्रमा नहीं है, तेरा ही मुख चंद्र। बोले अच्छा मैया कुछ लोग दिखता तो है, ये निकाल के दे और ऊपर वाले बुला दे नशे नीचे। तो मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कहिता ही मंगावत। बोले मैया देख अब तेरे मक्खन मक्खन से पेट में भरता, मैं जो चंद्रमा को खाऊंगा ये गोल गोल बड़ा अच्छा लगता है। मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कहिता ही मंगावत, लागी भूख चंद में खई हूँ देह देह रिस करे बिरझावत। किसने बोले भूख लगी है दूसरी से नहीं खाऊंगा, चंद्र में खाऊंगा मैं तो। अब बड़ा अखीला बार बार मैया समझाती, बोले देख भैया तुम मेवा खा ले, मिष्ठान खा ले, माखन दे के लिए या सब। बोले नाना आखिर मेरे लाल हो ऐसे आर्य की जय,
मधुमेवा पकवान मिठाई जो भावे सोई लीजे। सद माखन घृत दयो सजायो अरु मीठो पय पीजे पाल आगो हठ अधिक करो जन। अजय बोले बेटा ज्यादा गुस्सा करने से शरीर छींचता है, तेरा खून जलता है। ये पता नहीं कि खून रूप दोनों एक ही है, दो नहीं है यहाँ पर वो मानते नहीं। वो कहते हैं कि मैया ये ऊपर वाला ला के दे, तू तो कहते ना असली हो तो वो ला के दे। अब मैया ने सोचा कि बड़ी भूल की ऊपर वाला दिखा दिया, इसको समझा बुझा के किसी तरह से देखे ऊपर वाला दिखला दिया, बड़ी भूल की। तुझे कद का नहीं समझाई हूँ, मैं ही भूल चंद दिखर आयो ताही कहत मैं खाई हूँ, कहता खाऊंगा मैं तो उसे। माता ने कहा बेटा ये खाने की चीज नहीं, अनहोनी कहूँ भरी कन्हैया, देखिए सुनी न बात, यह तो आज खिलौना सबको खान कहे कहता। अरे ये तो खिलौना है, खाने की खिलौना तो खेलूंगा नहीं, सही खेलूंगा खाऊंगा नहीं, खिलौना ही सही, ये तो देना पड़ेगा जाके दे। बड़ी सुंदरियों ने देखा, सब ने देखा तो क्या बोले, तो उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा कुछ तो करो। तो गोपियों ने पात्र में एक निर्मल जल भर दिया और बोले चंदा इसमें आ जाओ, चंदा इसमें आ जाओ, आह्वान करने लगी। बार बार जिसमें के सुत बोधत आव चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई आपन खई है तो ही खवावे। हाथी पर तो ही लीने खेले नीव धर में बैठावे, जल बासन कर ले भी उठावत याही में तू तन घरी आवे। मेरे चंदा इसमें आ जा, चंद्रमा तू इसमें आ जा। अब वो थाली बर्तन रखा तो उसमें प्रतिबिंब दिखने लगा, मैंने देखे हम चंद्रमा आ जाए, ले ले मोहन चंदा ले ले। कमल नयन बले जाऊ सुचित हुए नीखे नेक उचित है, चंद्रमा ले ले। अब तो बोले चंद्रमा अब तो अपना ही हाथ जाता है ना, चंद्रमा अब मिल जाएगा। जल पात्र में साफ साफ बर्तन में दिखने लगा चंद्रमा। अब उतरे गोद से उतर करके चंद्रमा को लेने के लिए, पकड़ने के लिए, और अपने कोमल कोमल हाथों को बर्तन में डाला। तो यूं डाला यूं किया कि चंद्रमा के परछाएं वो विलीन हो गई। तो इतने में देखा चंद्रमा तो यह तो नहीं, पर हाथ में आ गया होगा, दिखता तो नहीं है, भूल गए। उधर मेरे ऊपर देखे तो योग माया ने देखा कि अब ज्यादा देर तक ठहरना ठीक नहीं, तो एक बादल का खंड मेघ खंड ऊपर, इसकी कथा और तरह से भी आती है, मेघ खंड आया एक बादल का खंड और उसने चंद्रमा को ढक लिया। तो देखा मैया ने, उसने कन्हैया ने कि चंद्रमा तो ऊपर भी नहीं। तो बोले मैया वो गया कहाँ, कहाँ चला गया, वो न ऊपर दिखता है न इसमें दिखता है, मेरे हाथ में आया नहीं। बोले लाला बताऊं, बोले बता। बोले तेरे डर से पाताल में भाग गया तू, अब वो तो छुटकारा दिलाना है ना, फिर जाएगा ला कहीं से। बोले तू लाला पकड़ना चाहता था ना, बोले हाँ पकड़ना चाहता ही था। बोले तेने हाथ डाला कि वो डर के मारे पाताल में भाग गया। तो बोले मैया पाताल कहाँ है, पाताल क्या है, बता मुझे तो, उसको पाताल से लाना है। तो मैया बोली चल मेरे साथ, पाताल की लंबी कथा है, लंबी कहानी तुमको कहानी सुनाऊं, तुम मेरे साथ चल ये कहानी सुनाऊंगी। तो मैया से पाताल की कहानी सुनने के लिए चली, ये भगवान श्याम सुंदर हैं, चले गए मैया के साथ। मैया ने सोचा कि इसको कहानी सुनाते सुनाते नींद आ जाएगी, तो आज तो ये सो जाएगा, फिर कल देखा जाए कोई और युक्ति सोचेंगे। ये चंद्रमा के कई कई लीलाएं हैं, ये आज की एक लीला कि आज तो अब कन्हैया पाताल की कहानी मैया से सुनने के लिए चले गए और मैया कहानी सुनाने लगी।
अब वो जागरण करने के लिए जो स्त्रियां आई थी ना गोप सुंदरियां, अब वो इनको सुला करके नींद आ गई। तब भी मैया बड़ी सबकी ले रही है, इनसे कहा कि तुम एक काम तो करो, यहां क्या खड़ी देख रही हो? अरे आ रही हो, आई हो जागरण करने के लिए कि यहां खड़ी खड़ी देखने के लिए? मैया ने डांटा गोप सुंदरियों को, कहा जाओ नारायण के मंदिर में जाओ। नारायण का मंदिर रहा नंद बाबा के घर में, नारायण की उपासना होती बड़ी भक्ति के साथ नंद बाबा के, यशोदा मैया के, नारायण इष्ट देव। जब कोई संकट पड़े तो पड़े तो नारायण, और संकट से नारायण छुड़ाते हैं, ये नियम है। तो ये गोपियों का मन करे नहीं, उन्होंने कहा जागरण पे इसीलिए तो हम आई थी, कोई गीत गाने थोड़ी आई थी यहाँ पर। और नारायण की पूजा तुम करो अपनी, मन ही मन कहा गोपियों ने, मैया जाओ निकलो। तो निकलना ही पड़े तो बीच बीच में तो देखना, देख ही लेती है आकर किसी बहाने बाहर आ गया, और मैया कहीं देख ही दे वापस लौटा दे, तब तो देखनी मुश्किल हो जाए, द्वार बंद कर ले, बोले नहीं आने देंगे तुम तो यहाँ पर, गीत तो गाती नहीं। तो ये मैया की बात मानकर नारायण मंदिर में गई, गई तो सही पर मन पर दूसरा नारायण बैठा हुआ है। इनके नेत्रों में, इनके मन में, इनके प्राणों में तो श्याम सुंदर समा गए। इनने महाराज इस प्रकार का एक विलक्षण आश्चर्यमय चमत्कार था। एक बार ये जिसकी ओर अपने उस मन से जो खींचने वाला मन देख लेते, नन्हे से बच्चे हैं तो क्या हुआ, फिर वो अपने जीवन में इस जीवन का नहीं रह जाता, सब कुछ भूल जाता है। यही प्राणों को सदा के लिए लेने वाली उनकी दृष्टि होती है। तो ये चली गई मंदिर में नारायण के, पर इनके तन में, इनके मन में, इनके नेत्रों में तो श्याम सुंदर बसे छाए हुए हैं। ये वहां नारायण का गीत गाने लगी, और नारायण का गीत गाते गाते भूल कर कन्हैया के बाल लीला गाने लगी। यशोदा ने सोचा ये क्या कर रहे हैं, पगली हो गई मालूम होता है। देख यशोदा बोले ये क्या कर रही हो तुम, अरे नारायण का भजन गाने आई थी कि लाला के गीत गाने आई थी? ये लाला के लिए तो जागरण है ना आज, तुम नारायण के गीत का? बोले हाँ मैया गा रही। मैया को भेजा, मैया फिर चली गई लाला के पास, ये गाने लगी, गाते गाते नारायण का नाम तो भूल गई। फिर अब अपनी दशा का वर्णन करने लगी, कहा वीर एक दिन मैं आई थी और मैंने आकर के ये खेल रहा था, खेलते हुए इसको देखा तो तब से मेरी क्या दशा हो गई है तुझे मैं सुनाऊं, उसी की भाषा में सुनिए। एक गोपी अपनी स्थिति सुना रही है, क्या उसके मन की तन की स्थिति है। देखो जसुदा को ओ नंदन तत्क्षण प्राण पलटी गयो
कट गया उसी क्षण, देखा कभी से ये तन मन हुए गयो कादो मन कारा हो गया, सब सामने हो गया। क्षण प्राण पलटी गयो मेरो ए तन मन है गयो कारोरी देखो देखा तो आनी सत्यो उमतर देखत आनी सत्यो उन अंतर दे बलिकनी को तारो ताला लगा कर अंदर घुस गया, पलक बंद हो गई, मोहि भ्रम भयो सखी उर अपने संभार संभारो
परतन दे संभाए रोरी तरु में बीज की ये बीज माही तरु तरु में जल थल मधु कानन घर भीतर जहलो दृष्टि पसारोरी जल थल मधु कानन घर सर जहलो दृष्टि पसारो दी तित ही तित।